मैंने आपको एक वीडियो में एसेंडेंट मास्टर मर्लिन के बारे में पूरा बताया था, तो आइए आज हम मर्लिन मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं, यानी कि मर्लिन के बारे में ध्यान क्रिया कैसे करते हैं ताकि वो हमसे जुड़ जाएं और हमारी हर इच्छा पूरी करें और हमारे सारे जो भी काम बिगड़े हुए वो ठीक करके हमारी मदद करें। तो आइए शुरू करते हैं मर्लिन मेडिटेशन, यानी कि मर्लिन की ध्यान क्रिया विधि। ध्यान क्रिया के लिए ये आवश्यक है कि आसपास किसी तरह का शोरगुल ना हो, फोन और मोबाइल बंद कर दें, दरवाजे की घंटी बंद करें, किसी से कोई बातचीत ना करें, कमरे में ध्यान करें तो अकेले बैठे और खिड़कियां खोलकर ताजी हवा अंदर आने दें, चाहे तो ध्यान के लिए कोई भी संगीत हल्की आवाज में बजा सकते हैं, साफ ढीले और आरामदायक कपड़े पहने, चप्पल जूते उतारकर जमीन पर दरी या साफ चादर बिछाकर आराम से आलती पालती लगाकर बैठ जाएं। जो लोग नीचे बैठने में परेशानी अनुभव करते हैं और जिनके घुटनों में दर्द रहता है वे कुर्सी या सोफे पर बैठें। दोनों हाथ घुटनों पर रखें, हथेलियां ऊपर की ओर खुली रखें, कमर सीधी रखें लेकिन जोर ना देकर पीठ को बिना अकड़ाकर बैठने के आराम से सीधे बैठें। अपने शरीर को आराम दें, आंखें बंद करें लेकिन आंखों पर जोर ना देकर आराम से शांति से बंद करें। अपने दिमाग को आराम दें, शांति से बैठें और दिमाग में कोई भी विचार ना लाएं, केवल शांति अनुभव करें। अब तीन बार सांस की क्रिया करें। पहली सांस क्रिया में पांच तक मन ही मन में गिनते हुए अपने पेट और छाती को फुलाते हुए धीमी और गहरी सांस लें। अब सांस रोककर पांच तक गिनें। अब मन ही मन में पांच तक गिनते हुए अपने मुंह से सांस छोड़ें। इसी तरह दूसरी बार फिर से पांच तक मन ही मन में गिनते हुए अपने पेट और छाती को फुलाते हुए धीमी और गहरी सांस लें। सांस रोककर पांच तक गिनें। अब मन ही मन में पांच तक गिनते हुए अपने मुंह से सांस छोड़ें। तीसरी बार फिर से सांस क्रिया दोहराएं, यानी फिर से पांच तक मन ही मन में गिनते हुए अपने पेट और छाती को फुलाते हुए धीमी और गहरी सांस लें। सांस रोककर पांच तक गिनें। अब मन ही मन में पांच तक गिनते हुए अपने मुंह से सांस छोड़ें। अब सामान्य रूप से लगातार आराम से सांस लेते रहें, धीरे धीरे सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, आराम से जैसे आप सांस लेते हैं वैसे ही लें और छोड़ें, शांति से आराम से। अब आप कल्पना कीजिए आप उस रास्ते पर चल रहे हैं जो जंगल की ओर जाता है। आप दोनों तरफ लगे हरे भरे पेड़ों के बीच में बनी लंबी कच्ची सड़क पर चलते जा रहे हैं। पक्षियों की मधुर आवाज आपके कानों में आकर सफर सुहाना बना रही है। अपने आसपास की हरियाली पर ध्यान दें, पेड़, घास, पत्तियों, फूलों और उन पर उड़ती रंग बिरंगी तितलियों को देखें। सभी को प्यार और शांति से देखें। उस जंगल की ओर आगे बढ़ते रहें। जंगल में अंदर गहराई की तरफ जहां और अधिक पेड़ और पौधे हैं, वहां आगे बढ़ते रहें।
वहां देखते हुए आगे बढ़ते रहें और आगे और आगे। आपके दोनों तरफ बहुत से बड़े पेड़, हरियाली वाले पौधे और रंग बिरंगे फूलों से भरा खुशनुमा माहौल है। आप शांति का अनुभव कर रहे हैं, आपको कोई डर नहीं लग रहा, आप बस चलते जा रहे हैं और आगे चल रहे हैं। अब आप धीरे धीरे उस जंगल की तरफ जा रहे हैं जो हरे रंग से सफेद और सुनहरे रंग में बदल रहा है। आसपास की हर चीज सुनहरे और सफेद रंग में बदल रही है। ये दृश्य बहुत खूबसूरत है, राजसी है, सब जादुई माहौल जैसा लग रहा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, आपको एक बड़ी धुंध दिखाई देती है। उस जंगल की ओर से आने वाले चांदी के रंग की एक बड़ी रोशनी आपको अपनी ओर खींच रही है। आप इससे दिव्य ऊर्जा महसूस करते हैं। आप उस चांदी की धुंध जैसी उस चांदी की रोशनी की ओर चलते रहते हैं। उस चांदी की धुंध से आपको अपनी ओर लौ की तरह एक छोटी सी रोशनी निकलती दिखाई देती है। ये लौ तितली की तरह उड़ रही है और जैसे जैसे ये आपके करीब आती है, आप गौर करते हैं कि ये एक नन्ही परी है। सिल्वर कलर की वो छोटी सी लौ एक नन्ही परी है। ये परी आपको मुस्कुराते हुए इस मुग्ध वन में आपका स्वागत करती है। इस सुनहरे चमकीले जंगल की ये परी आपको उस विशाल धुंध की ओर संकेत करती है जो चांदी के रंग की है। आप और परी जैसे ही उसके करीब जाते हैं, आप देखते हैं कि चांदी के रंग की ये विशाल धुंध वास्तव में एक दिव्य घोड़ा गाड़ी है। आप इस घोड़े की गाड़ी से आने वाली सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। जैसे ही आप घोड़े की गाड़ी के करीब जाते हैं, उस गाड़ी पर बने छोटे से कमरे का दरवाजा आपके लिए खुल जाता है। वो दरवाजा जो आपको अंदर ले जाता है। कल्पना कीजिए कि ये नन्ही परी आपको अंदर बुला रही है। इस घोड़ा गाड़ी के अंदर आप जादू महसूस करते हैं, आप सफेद दिव्य ऊर्जा महसूस करते हैं, आप शांत वातावरण आराम महसूस करते हैं। दरवाजा बंद हो जाता है। अब आप और नन्ही परी आगे की यात्रा के लिए तैयार हैं। घोड़ा गाड़ी अब इस सुनहरे जंगल में अंदर गहराई से आगे बढ़ती है। धीरे धीरे ये अपनी गति बढ़ाती है। आप इस घोड़े की गाड़ी से उस मुग्ध जंगल को देखते हैं। जैसे जैसे ये चलती है, आप अनेक पेड़ों बहुत से पौधों के बीच से गुजरते हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं। अब आप देखते हैं कि इस घोड़े की गाड़ी ने अपनी गति बढ़ा ली है और इस सुनहरे जंगल में गहरी और गहरी दौड़ लगा रही है। अब आप देखते हैं कि सामने बैंगनी रंग की एक धुंध है। एक दिव्य बैंगनी रंग फैलता जा रहा है। जैसे ही घोड़ा गाड़ी इस बैंगनी रंग की ओर बढ़ती है, घोड़ा गाड़ी अपनी गति धीमी कर देती है और अंततः इसके सामने रुक जाती है। घोड़ा गाड़ी, आप और नन्ही परी अब इस दिव्य बैंगनी रंग के धुंध के सामने हैं। इस घोड़े की गाड़ी का दरवाजा खुलता है और छोटी परी आपको नीचे उतारने में मदद करती है। और जैसे ही आप नीचे उतरते हैं, आप देखते हैं कि ये बैंगनी रंग वास्तव में एक गुफा है। ये एक दिव्य और सकारात्मक गुफा है। आप इस गुफा से आने वाली धुंध को महसूस कर रहे हैं। आप इसे अपने शरीर में महसूस कर सकते हैं।
आप आगे जाने को तैयार होते हैं, आप इसके करीब जाते हैं, आप इस गुफा के करीब कदम रखते हैं और आप देखते हैं कि गुफा के अंदर तीन चरण हैं। जब आप तैयार होते हैं, आप पहला चरण यानी कदम उठाते हैं, 1, 2, 3 आपने गुफा के अंदर कदम रखा। अब आप गुफा के अंदर हैं, आप गौर करते हैं कि गुफा में एक लंबा दालान है। आप बैंगनी रंग की धुंध को गुफा के भीतर से निकलते हुए देखते हैं और जैसा कि बैंगनी का मतलब ज्ञान होता है, आप इस गुफा से निकलते हुए ज्ञान को महसूस करते हैं। आप आगे चलने लगते हैं, आप गुफा के अंदर तक जाते हैं, आप उस दालान के अंत के करीब आते हैं, आप कदम से कदम आगे बढ़ते हैं, आप गुफा के अंत के करीब चले जाते हैं और जैसे जैसे आप करीब जा रहे हैं, इस दालान में, दालान के इस छोर तक आप गौर करते हैं कि वहां एक छाया है। आप देखते हैं कि दालान के अंत में आपके सामने एक व्यक्ति की छाया है। जैसे ही आप इस दिव्य बैंगनी छाया के करीब जाते हैं, आपको एहसास होता है कि ये केवल एक छाया नहीं है बल्कि एक व्यक्ति है। और आप देखते हैं कि ये व्यक्ति कोई और नहीं, ये मास्टर मर्लिन है। आप खुशी महसूस करते हैं, आप उल्लास महसूस करते हैं, आप जीत महसूस करते हैं, आप अपने तक आने वाले मर्लिन के आशीर्वाद को महसूस करते हैं और आप अपनी खुली बाहों और खुले दिल से इन्हें झुककर प्रणाम करते हैं। अब जब आप इस दालान के अंत तक पहुंच चुके हैं, आप सामने अपने मर्लिन को देखते हैं जिनके हाथ में एक जादुई छड़ी है, उनके दूसरे हाथ में स्फटिक ग्लोब है और उनके सिर पर एक टोपी है। उनके लंबे कपड़े के साथ अंदर से गुथी हुई स्फटिक गुफा है। आप अपने सामने उन्हें देखकर खुशी महसूस करते हैं। मर्लिन आपसे कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वागत है, मैं आपको यहाँ पाकर खुश हूँ। आप आशीर्वाद महसूस करते हैं, आप खुशी महसूस करते हैं, अपने पास आने वाले अपने मर्लिन से सारी सकारात्मक ऊर्जा लें। ये सब आपका है, पर्याप्त समय लें, पूरा समय लें, ऊर्जा को महसूस करें। अब मर्लिन आपसे पूछते हैं, वो क्या है जो आप चाहते हैं? ये समय मर्लिन को बताने का है कि आप क्या चाहते हैं। अब आप जो भी सकारात्मक इच्छा रखते हैं मर्लिन को बताएं, उन्हें बताएं जो आप चाहते हैं, आगे बढ़ें और उन्हें बताएं। यदि आप जोर से बोलते हैं तो भी ठीक है, यदि आप इसे मन ही मन में बोलते हैं तो भी ठीक है, ये भी ठीक है यदि आप सिर्फ अपने चाहने वाली चीजों की कल्पना करते हैं, क्योंकि मर्लिन आपकी भाषा समझते हैं, वो समझ जाएंगे कि आप क्या चाहते हैं। बस उन्हें कुछ भी और वो सब कुछ बताएं जो आप चाहते हैं। और जब आप तैयार हो तो बस एक पल का समय लें और मर्लिन को आप पर अपनी छड़ी लहराते हुए देखें और देखें वो आपको आपकी इच्छा के साथ आशीर्वाद दे रहे हैं। वह सब कुछ जो आप चाहते हैं उसे करने की मर्लिन आपको ताकत देते हैं। सब कुछ जो आप चाहते हैं इसे पूरा करने के लिए आप मर्लिन से आने वाली सारी ऊर्जा लें, इसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार करें, इसे धन्यवाद के साथ स्वीकार करें। देखें कि आप क्या चाहते हैं और आपने जो मांगा था वो अब से ही आपके पास आ रहा है। अब मर्लिन कहते हैं,
मैं यहाँ आपको रास्ता दिखाने के लिए हूँ, मैं आपको ज्ञान साझा करने के लिए यहाँ हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि आप इस मार्ग पर चलते रहें और इस ज्ञान का उपयोग आसानी और शांति के साथ करते रहें। अब जब आपने मर्लिन के साथ बात की है और मर्लिन ने आपको ज्ञान दिया है तो आप पूरा महसूस करते हैं। अब वापस आने का समय है, आप वापस दालान में जाते हैं और आप गुफा के द्वार तक चलना जारी रखते हैं, चलते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आप इस गुफा में वापस चल रहे हैं और आप उन तीन चरणों से नीचे आते हैं, 1, 2 और 3। आप ध्यान दें कि सुनहरी जंगल में ये घोड़ा गाड़ी और छोटी परी अभी भी आपको घर ले जाने के लिए इंतजार कर रही है। इस घोड़े की गाड़ी का दरवाजा खुलता है और छोटी नन्ही परी आपको अंदर बैठाने में आपकी मदद करती है। अब आप और नन्ही परी सभी इस घोड़ा गाड़ी में बैठ गए हैं। जब आप तैयार होते हैं तो ये घोड़ा गाड़ी आपको उसी रास्ते से वापस ले जाती है। ये सुनहरा जंगल आपके पास से गुजर रहा है, आप इससे गुजर रहे हैं। जब आप तैयार होते हैं तो आपकी परी प्रवेश द्वार पर पहुंच गए हैं और दरवाजा खुल जाता है। ये छोटी परी आपको फिर से नीचे लाने में मदद करती है और आप अब इस सुनहरी जंगल में प्रवेश के दरवाजे पर खड़े हैं। आप देखते हैं कि ये नन्ही परी और ये दिव्य घोड़े की गाड़ी वापस सुनहरी जंगल में जा रही है और आप अपने हरे भरे जंगल में वापस पहुंच जाते हैं। आप बाहर की तरफ चलते रहे, कदम दर कदम आप अपने रास्ते के करीब हैं। आप और करीब हैं। कुछ समय बाद आप इस हरे भरे जंगल की शुरुआत में पहुंच जाएंगे। आप वहीं पर वापस आए हैं जहां से आपने चलना शुरू किया था। अब आप अपने आप को वहीं महसूस करें जहां आप पहले बैठे थे। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, अपने हाथों को एक दूसरे से रगड़ें और अपने चेहरे और अपनी आंखों को स्पर्श करें। इसके साथ आपने अपना ज्ञान और सभी अनुग्रह के साथ अपना मर्लिन ध्यान पूरा कर लिया है।